का, किसे राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिलेगा ये देखना होगा। लेकिन 28 विधायक तो आज शपथ लेने वाले हैं और वो लिस्ट आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, इन्हें फोन आ चुके हैं, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार इन्हें मिल सकता है, कृष्णा गौर को, धर्मेंद्र प्रधान को। राज्य मंत्रियों की लिस्ट भी हमारे पास है, उनमें राधा सिंह का नाम है, प्रतिमा बागरी का नाम है। चलिए इसी पर एक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ प्रशांत कटारे जुड़ गए हैं। प्रशांत, अब से कुछ ही देर का इंतजार है और हम एक बैलेंस टीम डॉक्टर मोहन यादव की नजर आएगी, जिसमें युवा जोश भी होगा और अनुभव भी। बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन होगा और जो 28 नामों की एक न्यूज़ 18 के पास जो सूची आई है उसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे और उसमें जो नाम आए हैं वो लगभग, अगर हम तस्वीर साफ कर दें, पहली सूची में प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, दो सिंधिया खेमे के, इंदल सिंह कंसाना भी सिंधिया के समय ही बीजेपी में आए थे लेकिन वो इंदल सिंह कंसाना खास तौर से सिंधिया खेमे के हैं नहीं, तो ये आपको सिंधिया खेमे का भी इसमें स्पेस दिखेगा। दूसरा, अगर आगे बढ़ेंगे, विजय शाह हाल में विवाद में आए थे, कहा जा रहा था कि विजय शाह का लगभग पता साफ हो गया है लेकिन विवादों के बाद भी अगर उन्हें जगह दी गई है तो इसके पीछे दो तीन वजह हो सकती हैं। एक तो जो बेल्ट है और दूसरा जो कास्ट एसटी वर्ग से वो आते हैं, बड़े वर्ग को वो प्रभावित करते हैं, उस लिहाज से अगर विजय शाह का नाम है तो ये एक दो तीन वजह हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है, राकेश सिंह का लगभग तय माना जा रहा था नाम, प्रहलाद पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा था, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम पहले से तय था, न्यूज़ 18 लगातार ये चल पहले से बता ही रहा था, और राव उदय प्रताप सिंह जो सांसद से विधायक बने उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा था, निर्मला भूरिया का नाम जिसमें जो आ रहा है, न्यूज़ 18 ने बताया था कि भाई कैसे जो महिलाओं पर फोकस है बीजेपी का, उनमें निर्मला भूरिया भी हैं, प्रतिमा बागरी भी हैं, कुछ और चेहरे जिनका जिक्र किया था, और उस इन 28 नामों में वो चेहरे भी आपको नजर आ रहे होंगे। गोविंद सिंह राजपूत, हालांकि काफ़ी कुछ इन पर मंथन चला था लेकिन फाइनली अब चूंकि 28 नामों की सूची में गोविंद सिंह राजपूत का नाम भी है तो इस पर दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत स्ट्रेस था, बहुत प्रेशर था, और गोविंद सिंह राजपूत चाहे कांग्रेस सरकार में रहे हो, दो महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे, राजस्व और परिवहन, इसके बाद बीजेपी में जब आए, बीजेपी सरकार बनी, सिंधिया बीजेपी में आ गए तब भी इनके पास राजस्व और परिवहन दो महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे और गोविंद सिंह राजपूत को फिर मंत्री बनाया जा रहा है, ये लगभग तस्वीर जो 28 नामों की सूची, फाइनल सूची मध्य प्रदेश न्यूज 18 के पास आई है वो बताती है। इंदर सिंह परमार फिर रिपीट हो रहे हैं, दूसरा इंदर सिंह परमार संघ बैकग्राउंड से हैं, फिर भरोसा जताया है संघ का, जो कहें कि एक संघ के जो चेहरे हैं वो उसमें बराबर स्पेस पा रहे हैं। इसके बाद चैतन्य कश्यप पहली बार मंत्री बनेंगे। आपके पास शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं सुबह से समर्थकों की कतारें नेताओं के घर के बाहर और मुझे लगता है कि ये चीज सिद्ध भी हो गई है कि इन्हीं नेताओं का नाम लिस्ट में शामिल है जहां समर्थकों की कतारें लगी हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिन नेताओं के घर पर बधाई देने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है, 11-12 बजे के आसपास इन विधायकों के घर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो कार्यकर्ताओं की देखी जा रही थी, फूल माला और मिठाई लेकर वो पहुंचे थे और इस वक्त मैं अभी राजभवन के बाहर मौजूद तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई और अब से कुछ देर बाद तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और एक एक करके जब 28 विधायक यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद ये मध्य प्रदेश का नए मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। ये शपथ ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए लंबे चिंतन और मंथन के बाद जो है वो मंत्रिमंडल तैयार हुआ है। एक तरफ जहां पुराने चेहरों को जगह दी गई है वहीं नए लोगों को भी तरजीह इस मंत्रिमंडल में दी गई, तो ये बताता है किस तरीके से चिंतन और मंथन हुआ और जिस तरीके से चाहे अदल सिंह कंसाना हो, गोविंद सिंह राजपूत हो या फिर जो कृष्णा गौर, इनके बंगलों पर जो है बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बधाइयां दी जा रही हैं, बधाइयां स्वीकार की जा रही हैं, ये बताता है कि इनका नाम जो है वो कन्फर्म है। हालांकि इन नामों को लेकर न्यूज 18 पहले ये दावा कर चुका था कि ये सभी के सभी लोग मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, तो अब जो सूची है वो 28 नामों की उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है और नाम भी सामने आ चुके हैं, तो कई पुराने चेहरों को एक बार फिर से स्थान मिला है, तो कई नए नामों को भी इसमें शामिल किया गया और कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं, भले ही लगातार चर्चाओं में नहीं थे लेकिन उन पर आलाकमान ने भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री बनाया, खासकर वो चेहरे
जो पहली बार चुनकर आए हैं सदन में पहुंचे और उनको भी मौका दिया गया है, तो ये बताता है किस तरीके से बीजेपी जो अपने सीनियर और अपने हाल ही के जो नए नेता हैं यानी जूनियर जो विधायक हैं उनके बीच एक मिश्रण तैयार करके एक नया मंत्रिमंडल गठित किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लौटेंगे शैलेंद्र आपके पास। प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस फॉर्मूले पर बीजेपी फिलहाल काम करती हुई नजर आती है, ऐसा लग रहा है कि अब पीढ़ी परिवर्तन की तरफ बीजेपी बढ़ रही है, चाहे वो सीएम के नाम का ऐलान हो या दो डिप्टी सीएम बनाने का नाम का ऐलान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, पीढ़ी परिवर्तन का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और वो दिखता भी है, सबसे पहला तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही दिखता है। कई बड़े चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन मोहन यादव को बिल्कुल नया और युवा तीसरी बार के विधायक शख्स को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश तो दे ही दिया था कि भाई अब पीढ़ी परिवर्तन होने जा रहा है। हालांकि पुराने चेहरों को भी तवज्जो दी गई है, लेकिन इस लिहाज से कि आप काम करिए, पार्टी के लिए काम करिए, जो आपको जिम्मेदारी दी जा रही है, कई इसमें जो सांसद से विधायक बने वो सारे हैं। लेकिन अगर युवाओं का जिक्र करें तो कई युवा आपको इसमें नजर आएंगे। कृष्णा गौर जिसका जिक्र शैलेंद्र भी कर रहे थे, कई दूसरे हैं, धर्मेंद्र लोधी हैं और भी कुछ जो नए युवा चेहरे हैं उनको भी स्पेस दिया जा रहा। प्रतिमा बागरी पहली बार चुनकर विधायक चुनकर आई हैं, ऐसे युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है। ये साफ संकेत है कि एक बड़ा परिवर्तन, जनरेशन परिवर्तन बीजेपी में होने जा रहा है। ये हर राज्य में बीजेपी कर रही, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, आपने राजस्थान में भी देखा और अब ये एमपी में भी आपको नजर आएगा। केवल मुख्यमंत्री या लीडरशिप के तौर पर नहीं, बल्कि पूरी धीरे से धीरे धीरे पूरी कैबिनेट की कैबिनेट आपको नई नजर आ रही है। हाँ, पुराने लोगों का को इसलिए भी शामिल किया गया कि उनका आपको अनुभव भी लेना है ताकि नए लोग उनके हिसाब से सीख भी सकें। दूसरा, 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई डैमेज ना हो, यानी कि जिनका प्रभाव है उनको जरूर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। खेमों के हिसाब से भी स्पेस यहाँ पर नजर आता है, सिंधिया खेमे को भी पर्याप्त स्पेस है, दूसरा विजयवर्गीय को भी पर्याप्त यहाँ पर स्पेस मिलता हुआ नजर आ रहा है, तीसरा प्रहलाद पटेल खुद जगह बना रहे हैं उनके समर्थकों को भी। तो उस लिहाज से अगर देखें तो पीढ़ी परिवर्तन तो ये होने ही जा रहा है। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि जो 4-5-28 के बाद जो 4-5 स्पेस बचेंगे वो भी भविष्य में एडजस्टमेंट के लिए रखे गए हैं। अगर कोई नाराज होता है, कोई डैमेज करने वाली स्थिति में है, तो उसे भी वहां पर एडजस्ट किया जाएगा। तीसरा, लोकसभा चुनाव के बाद भले ही तस्वीर बदले, लेकिन लोकसभा चुनाव तक तस्वीर ऐसी ही रहेगी। आपको जातिगत समीकरण भी इसमें नजर आ रहे होंगे। प्रतिमा बागरी जिनका जिक्र बार बार आ रहा है, पहली बार विधायक बनी है, वो ऐसी वर्ग से आती हैं, युवा चेहरा हैं, महिलाएं हैं, तीन ये फैक्टर उनके साथ जुड़े और उन्हें लिया गया। चैतन्य कश्यप पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, हालांकि तीन बार से वो लगातार विधायक बन रहे थे और सबसे ज़्यादा चैतन्य कश्यप उनमें हैं जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले विधायकों में शुमार हैं। 4-5 जो नाम आते हैं उनके अंदर चैतन्य कश्यप का नाम आता है। और कुछ और हम युवाओं की भी बात करें तो उनमें से कई नाम हैं जो नज़र आते हैं। दूसरा, ये भी एक साफ कर दिया गया, पहली बार के जी कई ऐसे विधायक हैं जिन्हें स्पेस दिया जा रहा है। इनमें कुछ और नाम अगर मैं आपको पढ़ूं जी, निर्मला भूरिया हालांकि इससे पहले भी विधायक एक बार रह चुकी हैं। विश्वास सारंग को दोबारा स्पेस दिया गया है, हालांकि शुरुआत में चर्चा चल रही थी कि विश्वास सारंग शायद इस बार इन्हें स्पेस ना मिले, ये लगातार मंत्री बनते रहे हैं। इसके अलावा राकेश शुक्ला ये नया चेहरा है, इस बार अब पहली बार मंत्री बनेंगे। करण सिंह वर्मा, संपतिया उइके को लेकर भी आप ये कह सकते हैं कि आदिवासी चर्चा जारी रखेंगे, आप बने रहेगा। प्रशांत हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी कि एंदल सिंह कंसाना जो कि इस लिस्ट में शामिल आपको नजर आते हैं, न्यूज 18 से खास बातचीत की है, तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहा है ये सीधे आपको सुनाएंगे। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश सरकार के नए नवेले मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं एंदल सिंह कंसाना जी, काफी सीनियर विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, एक नई जिम्मेदारी एक बार फिर आपसे मिलने जा रही, कितनी उम्मीदें थी इस जिम्मेदारी को लेकर? देखिए, नई जिम्मेदारी जो मुझे संगठन के माध्यम से दी जा रही है उसमें ईमानदारी से उसका निर्वहन करूंगा। मैं कोई पहली दफे का एमएलए तो हूं नहीं, जैसे आप सीनियर कह ही चुके हैं, मुझे सारे अनुभव हैं। एज ए एमएलए भी मेरा अनुभव रहा है और एज ए मिनिस्टर भी रहा है, तो जो भी जिम्मेवारी संगठन देगा उसका ईमानदारी से निर्वहन कर। ग्वालियर चंबल संभाग के विकास को लेकर किस तरह का प्लान किया है आपने? अभी पदभार ग्रहण करने दो जी। और क्या जिम्मेदारी मुझे मिलती है उस हिसाब से हम रूपरेखा तय करेंगे, बाकी अच्छे ही करेंगे। इस बार मंत्रिमंडल में बहुत सारे नए चेहरों को जगह मिल रही है, युवाओं को जगह मिल रही है, कैसे देखते हैं आप? अब वो आज क्या कह सकते हैं कौन है, किसको मंत्री बनाया जा रहा, किसको नहीं बनाया जा रहा, अब तो स्थिति सामने आने के बाद ही कह सकते हैं। बाकी जो भी नए पुराने चेहरे आएंगे, पार्टी ने बड़े सोच समझ के निर्णय लिया होगा और अच्छे मजे हुए लोग आएंगे,
और अच्छा विकास करें। मध्य प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला मंत्रिमंडल होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ये अनिल सिंह कंसाना जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, उसके बाद जिस हिसाब से मंत्रालय मिलता है उस हिसाब से वो तय करेंगे कि आखिर उनकी अंचल के विकास को लेकर और प्रदेश के विकास को लेकर किस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ सैलेंस न्यूज 18 भोपाल। कई ऐसे नाम है जिनकी चर्चाएं यहां पर चल रही है। 28 नामों की सूची न्यूज 18 ने आपको दिखा दी है। सुमावली से विधायक अनिल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको बखूबी निभाएंगे। 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे और सुमावली से विधायक हैं, ये भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री। सरकार कांग्रेस विजय शाह की बात करें, हरसूट से जो कोई विधायक है। तो प्रशांत और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो फॉर्मूला सेट कर देती है उसी को फॉलो करती है। जैसा कि फॉर्मूला ये था कि 2 से 3 बार के जो मंत्री हैं वो रिपीट नहीं होंगे, वैसा ही कुछ नजर आता है क्योंकि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सीनियर मंत्री थे, जो लगातार शिवराज सरकार में मंत्री रहे, ये कहें कि उमा भारती से लेकर बाबूलाल गौर और उसके बाद शिवराज सरकार में जो लोग मंत्री रहे, ऐसे लोगों को फिलहाल मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। और ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि जो सीनियर मंत्री हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा जो लगातार चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे थे। चेतन कश्यप उनमें से एक नाम है, करण सिंह वर्मा उनमें से एक नाम है। तो ये वो नाम है जो लगातार चुनाव तो जीतते हैं लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे थे। और जिस तरीके से युवाओं चेहरों को मौका दिया गया है, या कहे कृष्णा गौर, वो लगातार चुनाव जीत रही थी लेकिन मंत्री नहीं बन पा रहे थे, इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। प्रदीप लारिया जो है वो चौथी बार के विधायक है, सागर से आते हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो तमाम ऐसे नाम जो काफी सीनियर थे लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा पा रहे थे, ऐसे लोगों को इस बार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। दूसरी तरफ अगर हम युवाओं के लिहाज से देखें तो जिस तरीके से प्रतिमा बागरी हो, नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, या फिर जो अन्य कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं, वो ये चेहरे वो हैं जो नए चेहरे हैं और पहली बार चुनकर आए, और उन विधायकों को मंत्री पद देने का मौका जो है वो इस बार बीजेपी ने दिया है। जो रहे हैं जी, सवाल यहाँ पर यही है कि 3 बार के जो मंत्री रहे हैं उन्हें फिर से शायद जगह ना मिले, ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि जो वो पहली बार के विधायक हैं, नए चेहरे हैं, उन्हें शायद मंत्रिमंडल में जगह ना मिले। तो आखिर जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, 2-3 नाम नए हैं जो पहली बार विधायक बने हैं, आखिर उन्हें किस हिसाब से फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद नए चेहरों को जो जगह मिली थी, तो ये मान लिया गया था कि अब मध्य प्रदेश में भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में बीजेपी शामिल कर सकती है, और वो हुआ भी। देखिए, चाहे नरेंद्र शिवाजी पटेल हो या फिर प्रतिमा बागरी हो, रक्षा आपकी जगह राधा सिंह हो, ये वो नाम है जो पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो राजभवन है उसके बाहर अब जो है वो कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि कुछ विधायक और जो उनके समर्थक है उनके आने का अब सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये देखिए 3:30 बजे का शपथ ग्रहण है लेकिन उसके पहले ही जो कार्यकर्ताओं में जोश है वो देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर अब पहुंचने लगे हैं। तो लगातार अब राजभवन के बाहर जो है चहल पहल बढ़ चुकी है और जिस तरीके से पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है और किसी भी गाड़ी को यहाँ नहीं रुकने दिया जा रहा है, केवल जिन लोगों को पास जारी किए गए केवल वही लोग अंदर आ पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, जो विधायक हैं जिनको राजभवन से मंत्री पद के लिए कॉल किया गया था वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। तो तमाम जो तैयारियां हैं उनको जिस तरीके से कल देर शाम जब ऐलान हुआ था कि मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होना, उसके बाद तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई थी और यही कारण है कि राजभवन के बाहर जो है पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया है और जो लोगों को यहाँ फोन आए थे वो सभी विधायक अब एक एक करके पहुंचने लगे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं उनके अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि देखिए अब लगभग 2 बजे का समय हो गया है और लगभग 3 बजे तक सभी लोगों को यहाँ पहुंचना है और उसके बाद 3:30 पर जो है वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उसके पहले तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना अनिवार्य है और जिन लोगों को नौता भेजा गया था यहाँ से, या ये कहे कि जिन लोगों को सुशील का भी रुक कर लेते हैं, सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ऐसा कहा जाता है कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं ग्वालियर से होती हुई जाती है और कई सारी
उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ग्वालियर वासियों को रहती हैं कि चंबल की इतनी सारी सीट रहती हैं, इस पर जीत दर्ज करना बीजेपी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ जाती है कि यहाँ से मंत्री शायद ज्यादा हों। तो आखिर किस किस नाम पर जो है यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं? प्रद्युम्न सिंह तोमर तो है ही है, उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे नाम है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल को मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी कहा जाता है, और यही वजह है कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 18 सीटें बीजेपी ने जीती है ग्वालियर चंबल अंचल में, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शायद पिछली बार के मंत्रिमंडल से ज़्यादा संख्या जो है ग्वालियर चंबल अंचल में मंत्रियों की रहेगी। लेकिन चूँकि लोकसभा चुनाव 2023-24 भी सर पर है, यही वजह है कि नए फार्मूले के तहत अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें सबसे बड़ा जो पहला नाम है वो प्रद्युम्न सिंह तोमर का है, क्योंकि वो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, शिवराज सरकार में मंत्री बने। इसके अलावा एदल सिंह कंसाना एक वो भी बड़ा नाम है, क्योंकि गुर्जर समाज से आते हैं और वो बड़ा वोट बैंक है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा असर रहेगा, यही वजह कि उनका भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, ऐसे कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा नारायण सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मंत्री बनने की कयास सबसे ज़्यादा इसलिए अहम है क्योंकि इस बार उद्यानिकी मंत्री जो रहे थे भारत सिंह कुशवाहा वो चुनाव हार चुके हैं, तो उनकी जगह कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा, क्योंकि 16 से ज़्यादा विधानसभा सीटें ऐसी है ग्वालियर चंबल अंचल में जहाँ कुशवाहा मतदाता निर्णायक भूमिका में है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नारायण सिंह कुशवाहा का कैबिनेट मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा है, ऐसी अटकलें। इसके अलावा भिंड से जो महगांव से है राकेश शुक्ला, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है कि नया चेहरा जो है वो शामिल किया जा सकता है, क्योंकि वो भी 3 बार के विधायक बताए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये 4 जो चेहरे हैं इन पर सबसे ज़्यादा कयास है। इसके अलावा भी अगर देखें तो गुना से पन्नालाल शाह एससी कोटे से हो सकता है कि उनको राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। 1-2 नाम और है जिनको लेकर जो है यहाँ चर्चा है कि हो सकता है कि इनकी लॉटरी लग जाए, चाहे शिवपुरी से देवेंद्र जैन जिन्होंने कद्दावर मंत्री केपी सिंह को हराया है, जो पूर्व मंत्री थे केपी सिंह, कांग्रेस के 6 बार लगातार चुनाव जीते थे। इसके अलावा भिंड की लाहार सीट से अमरीश शर्मा गुड्डू जिन्होंने गोविंद सिंह को हराया है, जो लगातार 7 बार विधायक थे, तो हो सकता है कि इन लोगों के नाम की भी लॉटरी लग जाए, दिग्गजों को हराने के चक्कर में इनाम मिल जाए। लेकिन ये सब कयास है, हालांकि अब ग्वालियर चंबल अंचल के लोग तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री यहाँ से रहे, क्योंकि पिछली बार 9 मंत्री यहाँ से थे, तो इस बार अभी जो प्रारंभिक तौर पर अटकलें हैं वो 4 लोगों को लेकर है कि 4 लोग तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल मंत्री बनेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि 1-2 नाम और आ सकते हैं, क्योंकि जातिगत समीकरण 2 लोग ठीक। लगातार आप बने रहिए, प्रशांत भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए ये तो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, आज हो भी जाएगा, कुछ घंटों में ऐलान भी हो जाएगा, पर यहाँ पर ये इंतजार सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि विभागों का बंटवारा बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो आखिर क्या लगता है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इंतजार लंबा चला, विभागों के बंटवारे को लेकर के लगातार मंथन हुआ, पेच फंसा हुआ था, तो यहाँ पर भी पेच फंसा हुआ नजर आएगा या डिसाइड हो चुका है? देखिए 2-3 दिन का कहा जा रहा है कि 3 दिन के अंदर लगभग महकमे भी डिवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ मसले जरूर फंसेंगे। जो सांसद से विधायक बने हैं, जो चेहरे, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ा पोर्टफोलियो उनके लिए दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोशिश होगी, रस्साकसी जरूर होगी। जैसा कि जिक्र बार बार हुआ है गोविंद सिंह राजपूत को लेकर कि परिवहन और 2 महत्वपूर्ण महकमे, राजस्व और परिवहन, जो कहते हैं कमाऊपुर टाइप के महकमे हैं, इनको रखना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आदमी के पास, तो उनको लेकर कोई रस्साकसी होगी क्या? उन पर कोई पेज फंसेगा क्या? गृह मंत्रालय किसके पास जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रहलाद पटेल दावेदार हैं गृह मंत्रालय के, और कई दूसरे जो सांसद से विधायक बने हैं वो शैलेंद्र हमारे साथ लगातार। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल मैं सुमित आपको बता दूं कि जो 28 मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं उनके लिए जो विशेष बात, जो गाड़ियां हैं सरकारी गाड़ियां, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि राजभवन पहुंच चुकी है, यानी ये 28 जो गाड़ियां तैयार की गई थी उन लोगों के लिए जो लोग मंत्री बनेंगे, अभी वो आएंगे अपनी गाड़ी से, लेकिन जब जाएंगे तो मंत्री हो चुके होंगे, और ऐसे में वो सरकारी वाहन के साथ रवाना होंगे। तो जितने भी मंत्री बनाए जाने उन सबके लिए वाहन जो है वो बुला लिए गए थे, अभी भी जो है वाहनों के उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगभग 28
गाड़ियां जो है इनोवा वो तैयार की गई थी उनके लिए जो नए मंत्रिमंडल में लोग शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो तमाम जो गाड़ियां हैं अब पहुंचने लगे, क्योंकि देखिए समय अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि 3:30 बजे का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है और उसके पहले सभी जो मंत्री हैं उनको या जो विधायक है उनको यहाँ पहुंचना है, तो विधायकों के पहुंचने के पहले उनके वाहन जो है वो यहाँ पर अब राजभवन पहुंचने लगे हैं और एक एक करके सभी गाड़ियां अंदर जा रही है और कुछ विधायक भी जो है वो अंदर जा चुके हैं, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई थी। और जो आपको आपको मैं तस्वीरों में लगातार दिखा रही हूँ कि जो गाड़ियां के साथ साथ जो तमाम तैयारियां हैं वो देखिए पुलिस बैंड जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि जो क्योंकि जब कार्यक्रम शुरू होगा तो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के साथ होता है, तो उसके लिए जो बैंड है राजभवन का बैंड वो अब राजभवन में पहुंच गया है, तो तमाम जो तैयारियां हैं उनको अब अंतिम रूप या ये कहें कि बिल्कुल अब तैयारियां एकदम से अंतिम दौर में है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो लोग शपथ ग्रहण में जिनको शामिल होना है उनको यहाँ पर बुलाया गया है और जो विधायक हैं उनके पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, कुछ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरीके से कुछ जी आप देख सकते हैं कि जो अभी अधिकारी जो सीएम देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का काफिला आपको नजर आ रहा होगा गाड़ियों में, डॉक्टर मोहन यादव का ये काफिला है और ये राजभवन के सामने से गुजर रहा है अभी। ये देखिए तमाम जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे थे तस्वीरों में, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं, तो जो तमाम जो दिग्गज हैं उनके पहुंचने का अब राजभवन में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हों तो तमाम जो बड़े नेता है उनके अब पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें जो है हम आपको लगातार राजभवन से दिखा रहे हैं कि एक एक करके सभी गाड़ियां यहां पहुंचना शुरू हो गई है, भले ही समय 3:30 का हो लेकिन जिस तरीके से जो सब प्रोटोकॉल होता है कि 3 बजे तक सबको वहां पहुंचना होता है और उसी के तहत जो लोग हैं अब वो पहुंचने लगे, तमाम जो गाड़ियां हैं वो अंदर आ रही हैं और डॉक्टर मोहन यादव हों या फिर केंद्रीय मंत्री हो ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम जो लोग हैं अब वो राजभवन धीरे धीरे करके पहुंचने लगे हैं और 3:30 पर इस शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। जी तो निश्चित तौर पर महारथी के रथ आ चुके हैं, अब इंतजार है महारथियों का, जब ये महारथी मंत्री पद की शपथ लेंगे तो अपने रथ मतलब गाड़ी में सवार होकर निकलेंगे। प्रशांत मैं आपके पास आ रहा हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं जाति और क्षेत्रीय समीकरण साध रही है बीजेपी, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, डिप्टी सीएम की बात हो या मंत्रियों के गठन की बात हो, मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो, लेकिन एक जगह से जैसे महाकौशल हुआ, ग्वालियर चंबल हुआ, मालवा निमाड़ हुआ, इन क्षेत्रों से कईयों के नाम सामने आ रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि मोहन मंत्रिमंडल में किस क्षेत्र को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हालांकि मालवा निमाड़ को सत्ता की चाबी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा सीटें वहीं से आती हैं, लेकिन महाकौशल से भी 3 से 4 नाम सामने आ रहे हैं मंत्री के लिए। प्रशांत बिल्कुल देखिए दरअसल क्या है, मालवा निमाड़ में बीजेपी हमेशा से मजबूत रही है, लेकिन पिछली बार महाकौशल में बहुत अच्छा प्रदर्शन 2018 में बीजेपी ने नहीं किया था, इस बार बेहतर प्रदर्शन उसने किया है, महाकौशल से भी उसे अच्छा रिजल्ट मिला है और उसका प्रतिफल महाकौशल को देने की कोशिश है सरकार में मंत्रिमंडल में नाम ज़्यादा बढ़ाकर, चूँकि 2024 में कोई नुकसान ना हो जाए, ये दरअसल वो क्षेत्र है महाकौशल, इसमें छिंदवाड़ा वाला हिस्सा भी आता है, वहाँ पर प्रभाव कांग्रेस का ज़्यादा है, कमलनाथ के प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा स्पेस महाकौशल को देने की कोशिश की गई है। ग्वालियर चंबल अपने आप में महत्वपूर्ण है, ग्वालियर चंबल सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है, वहां भी स्पेस दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि मालवा निमाड़ को जगह नहीं दी गई है, मालवा निमाड़ से भी कई चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र हो रहा है, चैतन्य कश्यप का जिक्र हो रहा है, कई और ऐसे नाम है जो मालवा निमाड़ से आते हैं। दूसरी तरफ बुंदेलखंड से भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने इस बार किया है, कई बड़े चेहरे चुनकर आए हैं, जगह प्रशांत सबको है, लेकिन कहां से कौन कितने मंत्री निकलते हैं यह देखना दिलचस्प होगा कि किस क्षेत्र को ज्यादा तवज्जो बीजेपी देगी मंत्रिमंडल में। जी देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर क्षेत्र से आते हैं, तुलसी सिलावट इंदौर क्षेत्र से मालवा से आते हैं, तीसरा अगर एंदल सिंह कंसाना का आप जिक्र करोगे तो वो फिर ग्वालियर चंबल से आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा भी ग्वालियर चंबल से आते हैं, विजय शाह का आप कहेंगे तो मालवा क्षेत्र आप जोड़ सकते हैं, राकेश सिंह महाकौशल से आते हैं, प्रहलाद पटेल बुंदेलखंड से आप जोड़ सकते हैं, हालांकि बेल्ट लगती है जो जिस जगह से वो विधायक हैं नरसिंहपुर तो उन्हें आप बुंदेलखंड में जोड़ सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय अगर आप जिक्र करेंगे तो फिर आप मालवा निमाड़ आ जाइए, मालवा आ जाइए, उदय प्रताप सिंह आप जाएंगे तो फिर वो महाकौशल में आप जोड़ सकते हैं, दूसरा फिर निर्मला भूरिया आप जाएंगे तो फिर मालवा निमाड़ में आप आ जाएंगे, विश्वास सारंग तो मध्य भारत आप भोपाल संभाग में आ जाइए, तो इसी तरह से सब जगह पर्याप्त स्पेस है, गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड से आते हैं, इंदर सिंह
इसके बाद चैतन्य कश्यप भी मालवा से आते हैं। राज्य मंत्री का जिक्र कर लें, कृष्णा गौर भोपाल मध्य क्षेत्र से। इसके बाद नारायण पटेल हैं, प्रतिमा बागरी का जिक्र करेंगे, अविंद से हैं, नरेंद्र शिवाजी पटेल मध्य भारत से। तो लगभग हर जगह को एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें आप फिर भी देखेंगे कि ग्वालियर चंबल को स्पेस ज़्यादा है, महाकौशल को स्पेस ज़्यादा है। दरअसल मूड कई बार बनाने वाले क्षेत्र हैं ग्वालियर चंबल, कई बार चीज़ें बदल देता है। 2018 में आपने देखा होगा तस्वीर अचानक से बदल गई थी और उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। तो ग्वालियर चंबल में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, महाकौशल में जहां बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था वहां वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वहां स्पेस पर्याप्त दिया है। दूसरी तरफ विंध्य में ज़रूर आप कह सकते हैं कि चेहरे कम है, उसकी वजह भी है, डिप्टी सीएम आपने विंध्य से दे दिया है, तो अब बहुत ज़्यादा चेहरे देने की आपको विंध्य में ज़रूरत है नहीं। मालवा निमाड़ से भी आपने स्पेस दे दिया, डिप्टी सीएम को आपने मालवा निमाड़ से दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पर्याप्त चेहरे मिले हैं, चूंकि 48 विधायक वहां से चुनकर आए, तो ऐसे में स्पेस लगभग सभी जगह दिया गया। और यही एक वजह है कि जो पहला ही मंत्रिमंडल विस्तार है वो जंबो रूप में हो गया, 28 नए चेहरे एक साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, तो इस वजह से आपको सब जगह को मैनेज करना था, सब जगह को मैनेज किया भी गया है। देखिए प्रशांत, ये भी अहम है कि शुरुआत से हम देखते आए हैं कि ओबीसी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है, शुरुआत से ही ओबीसी फैक्टर। और चाहे सीएम की बात करें, डेप्यूटी सीएम की बात करें, यहां पर मंत्रियों की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ टिकट देने के जब बात थी, प्रत्याशी घोषित करने थे, तो हर जगह कहीं ना कहीं इसी फैक्टर को देख करके आगे चला गया है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत से हम ये बात कह रहे हैं, न्यूज 18 लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी बात जरूर करती है, किसान की भी बात करती है, और अच्छी बात है किसान महिलाओं की बात करती है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर तो जो सोशल इंजीनियरिंग है वो सभी सियासी दल बनाते हैं, और बीजेपी भी सियासी उस तरह से सोशल इंजीनियरिंग तैयार करती है, और बीजेपी ने भी चाहे टिकट वितरण किया हो या फिर विधायक जो चुनकर आए हैं उसके बाद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, तो ये सारे समीकरण देखे गए हैं। डिप्टी सीएम आपने एक एससी वर्ग से दिया है, एक आपने अपर कास्ट से दिया है, और आपने सीएम ओबीसी बनाया है, और मोहन यादव को सीएम बनाने के पीछे बहुत दूर तक ही कहा जा रहा है कि बीजेपी सोच रही, केवल मध्य प्रदेश में की बात भर नहीं है, मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा ओबीसी है, लेकिन मोहन यादव के जरिए संदेश उत्तर प्रदेश और बिहार तक को दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जहां 80 सीटें तो बिहार से 40 लोकसभा सीटें आती हैं, वो 120 सीटों पर भी बीजेपी टारगेट कर रही है, वहां भी संदेश देने की कोशिश होगी। बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि वो एक तीर से कई निशाने साधती है, और ये यहां भी किया गया है। और आप जगह अगर ठीक है प्रशांत लौटते हैं आपके पास, जबलपुर से पवन पटेल भी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, महाकौशल की बात करें तो महाकौशल के क्षेत्रवासी लगातार ये कहते आए हैं कि महाकौशल की अनदेखी की गई है, हमेशा से अनदेखी हुई है, लेकिन जब तीन नाम सामने आए, राकेश सिंह, प्रहलाद सिंह पटेल और वहां पर आओद प्रताप सिंह का, तो अब ऐसा लग रहा है कि महाकौशल को भी अच्छा तवज्जो देने की कोशिश मंत्रिमंडल में बीजेपी की इस बार। राकेश, बिल्कुल सुमित, अगर देखा जाए तो काफी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और जो 28 नाम अभी तय किए गए हैं कैबिनेट के लिए, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 10 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, उसमें तीन नाम जबलपुर संभाग से हैं, और राव उदय प्रताप सिंह, प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह, और महाकौशल को भी जबलपुर जो है वो कहीं ना कहीं पूरा कवर करता है। तो इस बार जो है शिकायतों को दूर करने का पूरा प्रयास किया गया है। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल ये ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरा देश जानता है, जिनसे पूरा देश परिचित है, इनकी कार्यशैली से परिचित है, और राजनीति के क्षेत्र में दोनों ही बड़े चेहरे हैं, दोनों का लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है, और ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए प्लस में रहे हैं हमेशा। प्रहलाद पटेल जो सामाजिक क्षेत्र में भी लगातार सक्रिय रहे हैं, राकेश सिंह लोकसभा के मुख्य सचेतक रहे हैं, 4 बार के सांसद हैं, साथ ही इस बार विधायक का जब चुनाव हुआ, विधायक की टिकट मिली तो वो तत्काल सक्रिय हो गए। ऐसा ही कुछ प्रहलाद पटेल जी के साथ भी रहा कि वो भी तत्काल सक्रिय हो गए और मैदान में उतरकर ना सिर्फ उन्होंने जब अपनी विधानसभा सीट बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की लगभग 48 विधानसभा सीटों में प्रचार किया, 92 सभाएं की और 34 सीटें जीत कर लाए। तो कहीं ना कहीं ये वो चेहरे हैं जो ना सिर्फ राजनीति के लिहाज से बल्कि पूरी
बीजेपी को सुरक्षा संरक्षण और उसका नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं, तो इनका मंत्री बनाया जाना अपेक्षित भी था। जनता को उम्मीद थी कि इस बार मौका मिलेगा और वैसा ही निर्णय सामने आया है। तो प्रहलाद पटेल भोपाल के लिए निकल चुके हैं, राकेश सिंह कल ही रात में निकल चुके थे। इच्छा के अनुरूप आप जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, ये नाम है भले, पर अगर इच्छा के अनुरूप यहाँ पर विभाग नहीं दिया गया तो फिर कैसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है महाकौशल? देखिए, इस बार अगर बात की जाए तो शायद इस बात पर हम गौर करें कि चुनावी जो रणनीति थी उसमें सांसदों को कहीं से भी विधायक का चुनाव लड़ाने का कोई फैसला नहीं था, ना कोई चर्चा थी, लेकिन जब आदेश आया तो उन्होंने पालन किया। वैसा ही इस बार भी होने की उम्मीद लग रही है कि अगर जो भी प्रोफाइल मिलेगा, जो भी पोर्टफोलियो देते हैं विभाग देते हैं, तो वहां भी ये जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, जो मूल आधार हैं, इन्हें अगर कोई आदेश मिलेगा, कोई विभाग मिलेगा, तो वो उस जिम्मेदारी लौटेंगे। आपके पास विधि शर्मा कुछ कह रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सुन लेते हैं। सर्वस्वीकार सर्वमान्य ऐसा नेता कोई हो सकता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस भारत की राजनीति में एक आदर्श उदाहरण के तौर पर हम सब लोग देखते हैं। उन लोगों का सौभाग्य जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हम सब लोगों की पीढ़ी, क्योंकि अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ अच्छे कवि भी थे और अच्छे पत्रकार भी थे, तो इस नाते से जिन्होंने काम किया उनका तो सौभाग्य है, लेकिन आज की पीढ़ी उसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन बातों से आपके माध्यम से अवगत कराना भी जरूरी होता है कि भारत के राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस देश को गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट भारत की राजनीति में दिया। एक अच्छा सुशासन कैसे दिया जा सकता है, इसके एक आइडियल उदाहरण और वो संकल्प सुशासन का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया और प्रत्यक्ष जमीन पर व्यवहार में उतारने का काम आज भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आप देखिए कि योग कैसा है, एक ऐसा नेता जो सर्वमान्य, जिसने भारत की राजनीति में ये कल्पनाएं की और संकल्प लिया, तो एक ऐसा नेता जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, आज दुनिया के अंदर 76% लोग दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मानते हैं, तो अटल जी के उन संकल्पों को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत में होती तो सबसे पहले मैं धारा 370 हटाता। आज हमें गर्व है कि अटल जी के उस सपने को, उस संकल्प को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और लगातार सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, सुशील जुड़े हुए हैं, पवन हैं, प्रशांत हैं। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, इंतजार तो खत्म होने वाला है पर पूरी तरह से इंतजार खत्म नहीं होगा, क्योंकि पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मंत्रिमंडल का इंतजार खत्म हो रहा है, विभागों का इंतजार अभी बाकी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, पहला गृह मंत्रालय, दूसरा वित्त मंत्रालय और राजस्व परिवहन, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिस पर बहुत फोकस होता है, संघ का भी बहुत फोकस होता है, हायर एजुकेशन। 2020 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो मोहन यादव को
हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी, उसकी वजह समझिए आपकी संघ का फोकस एजुकेशन संस्कृति से जुड़े विभागों पर होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं, संघ के बैकग्राउंड से आते हैं मोहन यादव, दूसरी बार के विधायक थे, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री उन्हें दी गई थी। इस बार जरूर देखना होगा कि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास जाती है, गृह मंत्रालय किसके पास जाता है। हालांकि गृह मंत्रालय के दावेदार कई बड़े चेहरे हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कई और इसी तरह के जो बड़े पोर्टफोलियो से लौट कर आए हैं उनके वो बड़े दावेदार हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो मंत्रालय जिसे दे दिया जाएगा वो उससे उस पर काम करना पड़ेगा। जैसा कि जिक्र भी यहाँ पर कर रहे थे पवन की, भाई पहले भी जब सांसदी से आपको विधानसभा लड़ाया गया तब भी किसी ने सवाल नहीं उठाया, ये जरूर कहा कि भाई हमारा मन नहीं था, लेकिन अगर पार्टी ने कहा है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे, और वो हुआ भी, देखा भी, नतीजों में नजर भी आया, और इस बार भी जिसको भी जो मंत्रालय दे दिया जाएगा वो उस पर काम उसे करना होगा। दरअसल केवल उस पर काम नहीं करना है, इन सभी के सामने एक बड़ा टारगेट दे दिया गया पहले से ही, 2024 के लिए आपको बेहतर परफॉर्म करके दिखाना है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, अगली सरकार की 23 के चुनाव की स्ट्रेटजी जब बना रही थी बीजेपी तो नजर उसकी 24 के चुनाव पर भी थी, और इसीलिए स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से डिजाइन की गई कि 24 के चुनाव को लेकर भी उनका जो एक्शन प्लान है वो तैयार रहे। लौटेंगे आपके पास, सुशील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर चंबल की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां के लोगों की भी पहले खास अपेक्षाएं थी, जिस तरह से हम लगातार कवर कर रहे थे कि वहां से कोई सीएम होना चाहिए। अब कैबिनेट की अगर बात करते हैं तो किस तरह से पूरी लिस्ट को देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल से इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता है उनमें किसी के पास सीएम का पद आ सकता है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। उससे पहले लोगों की उम्मीद यही थी कि चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इन दोनों में से कोई एक सीएम बन सकता है, इस तरह की उम्मीदें और आशा है ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों की थी। लेकिन मोहन यादव के सीएम बनने के बाद अब उम्मीदें लोगों को इस बात की है कि जो ऊर्जा जो मंत्री बनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मोहन मंत्रिमंडल में, उनमें ग्वालियर चंबल अंचल के मंत्रियों को उचित स्थान मिले, साथ ही उनको अच्छा मंत्रालय भी मिलना चाहिए, इस तरह की उम्मीदें लोगों को है। क्योंकि ऊर्जा मंत्री रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर तो उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, तो इस बार लोगों को उम्मीद है कि ऊर्जा मंत्री के अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर को कोई और बड़ा विभाग मिल सकता है। इसके साथ ही नारायण सिंह कुशवाहा जो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, कुशवाहा समाज से 16 सीटों से ज़्यादा इलाके में कुशवाहा वोटरों का दबदबा है, तो नारायण सिंह कुशवाहा को लेकर भी लोगों की उम्मीद है कि पिछली बार जब वो मंत्री बने थे शिवराज मंत्रिमंडल में तो राज्य मंत्री थे, इस बार उम्मीद ये जताई जा रही कि अच्छा उनको कैबिनेट मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही यदल सिंह कंसाना को भी उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री उनको बनाया जाएगा, तो लोगों की उम्मीदें इस तरह की है। और भी लोग तो ये चाहते हैं कि कम से कम ग्वालियर चंबल अंचल से 6-7 चेहरे होना चाहिए मोहन मंत्रिमंडल में, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने 34 में से 18 सीटें जीती है, लेकिन हर फैक्टर को देखकर बीजेपी ने मंत्रिमंडल तय किया है। लोकसभा की जो 4 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में, माना जा रहा है कि 4 सीटों के लिहाज से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है, इस तरह की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 और चेहरे देखने के लिए। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ना शुरू हो चुका है, बीजेपी के प्रवक्ता अजय धवले जी वो भी जुड़ चुके हैं। धवले जी, काफी सोच विचार के बाद जो लंबा मंथन हुआ भोपाल से लेकर दिल्ली तक, नाम बाहर आ ही गए? धवले जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? नहीं, मुझे फोन नहीं है। हम आपको सुन पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे ऑडियो कॉल नहीं है। ठीक है, लौटते हैं आपके पास। देखिए ऋतु, यहाँ पर अब लगातार जो नाम भी सामने आ रहे हैं, हम तमाम जो हमारे सहयोगी उनसे बात कर ही रहे हैं, शैलेंद्र से भी जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, चूंकि देखिए बड़े बड़े दिग्गज हैं जो मैदान में हैं और विभाग भी काफी बड़े बड़े हैं, हालांकि ये है कि तय आलाकमान ने कर दिया होगा और जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो मजबूरी में हो या खुशी से हो अलग बात है, आखिर कैसे तालमेल यहाँ पर बिठाया जाएगा आलाकमान द्वारा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिग्गज सांसद से विधायक बने और अब मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनके पोर्टफोलियो पर सबसे पहली नजर होगी कि आलाकमान ने भी तय कर लिया होगा कि इन लोगों को एक बड़ा सा प्रोफाइल दिया जाए, खासकर चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो या राव उदय प्रताप सिंह, ये वो नाम है जो लंबे समय से केंद्र की राजनीति करते रहे और आलाकमान के कहने पर ही वह विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, उतर के न केवल खुद जीतते हैं बल्कि आसपास की सीटों को भी वो जिता के लाते हैं। और सिंधिया समर्थकों को दरकिनार नहीं किया जा सकता, वहां पर भी तवज्जो देना बहुत जरूरी होगी।
बिल्कुल देखिए, अगर सिंधिया समर्थकों की अगर बात करें तो तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये जो तीन बड़े नाम है जो सिंधिया समर्थक है। इसके अलावा ऐदल सिंह कंसाना भी वो चेहरा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी के पाले में आए थे और उसके बाद इन सभी को मंत्री भी बनाया गया था। तो ये सभी लोग जो है वो बेहद महत्वपूर्ण। जी शैलेंद्र, लौटेंगे आपके पास तस्वीरें जो दर्शकों को दिखा रहे हैं उन पर भी बात कर ली जाए। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए गाड़ियां बिल्कुल तैयार हैं, यहां पर शपथ हो जाएगी, उसके बाद जो नए नए मंत्री हैं उनके लिए ये सरकारी गाड़ियां तैयार कर दी गई हैं और उनको ये गाड़ियां मिल जाएगी। लेकिन पहले शपथ का इंतजार, शपथ के बाद सरकारी वाहन यहां मिल जाएगा और वो सफेद चमचमाती गाड़ियों की तस्वीरें इस समय ऋतु हम टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। आएंगे तो अपनी गाड़ी में, पर जाएंगे सरकारी गाड़ी में, ऐसा ही कहा जा सकता है। तैयार है गाड़ियां, गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, बस नामों पर मुहर लगना बाकी है, नाम आना बाकी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है और उसके बाद गाड़ियां सब मंत्रियों के पास। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बस आएंगे अपनी गाड़ी से सभी, पर जाएंगे सरकारी गाड़ी से, गाड़ियां पूरी तरह से तैयार है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। जब वो आ रहे हैं राजभवन तो विधायक के तौर पर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलेंगे तो वो माननीय मंत्री जी होंगे। तो यही कारण है कि उनके लिए वो आएंगे तो अपनी गाड़ी से, लेकिन जाएंगे वो सरकारी गाड़ियों में। यही कारण है कि 28 जो गाड़ियां हैं उनको अब राजभवन में बुला लिया गया है, सभी गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर लिया गया है और बाकायदा ड्राइवर्स को बता भी दिया गया कि आप किसके साथ जाने वाले हैं। यहाँ से जब आप राजभवन से जाएंगे तो ये गाड़ी खाली नहीं जाएगी बल्कि इसमें माननीय बैठ कर जाएंगे। ये हमेशा से नियम रहा है कि जब भी कोई मंत्री बनता है तो जिस वक्त लेता उसी वक्त उसको जो वाहन है वो अलॉट कर दिया जाता है। तो उसी की तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सभी जो वाहन है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। विधायक जो है जिनको कॉल गया है उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो एक एक करके जो सभी लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद यानी 3 बजे तक जो है वो सभी दिग्गज जो पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और भी तमाम जो दिग्गज हैं वो सभी लोग यहां पहुंचे हुए हैं। तो अब से कुछ देर बाद 3 बजे के आसपास सभी दिग्गज यहां पहुंच जाएंगे। हालांकि कुछ तस्वीरें जैसे आपको दिखाना चाहूंगा कि राजभवन के सामने जो है वो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए जो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं उनके समर्थक भी उनके साथ आ रहे हैं और समर्थक कहीं ना कहीं अपने जो विधायक हैं उनके उनकी खुशी के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ के करके पहुंच रहे हैं और उनके साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं का भी लगातार जो है वो जमावड़ा इस इलाके में आपको देखने को मिल रहा होगा किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए अपने विधायक को हालांकि देखिए विशेष लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है, पास जारी किए गए हैं, वही लोग अंदर जा पाएंगे, लेकिन बाकी कार्यकर्ता जो है वो बाहर हैं और जोश के साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये जोश जो है वो कहीं ना कहीं दोगुना हो गया है इन कार्यकर्ताओं का। देखो चुनाव शैलेंद्र लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें आगे भी आप दर्शकों को दिखाइएगा। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, धवले जी आवाज आ रही है आप तक हमारी? धवले जी, भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन खूब हुआ, दौड़ भाग भी खूब हुई और अब मंत्रियों के नाम आ गए हैं, सारे समीकरण चेक कर लिए गए? जी निश्चित रूप से, आप देखेंगे कि जो जिस प्रकार के मंत्री बनने जा रहे हैं तो इसमें आपको अनुभव के साथ साथ युवाओं को, फर्स्ट टाइमर्स को भी और योग्य और क्षमतावान लोगों को इसमें स्थान मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनाकांक्षाओं का सम्मान कर रही है और जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 49% वोट शेयर मिला है, 100 सीटों पर 51% से अधिक जो वोट शेयर मिला है, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश में एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने वाला ऊर्जावान क्षमतावान मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश को आज दोपहर 3:30 बजे के बाद मिलने जा रहा है। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की कैबिनेट मध्य प्रदेश के विकास की जो सोपान गाथा है उसमें नए सोपान रचने वाली है और आदरणीय मोदी जी की गारंटी, भाजपा के भरोसे के साथ मिलकर एक डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार आपको आज देखने को मिलेगी। जी, और जी। हम लोगों को यह भी देखना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों को सूचनाएं चली गई है संगठन, तो वो सारे अनुभव के साथ साथ युवा जोश और प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सांगठनिक पूरी तरह से अजय जी मूड में है, ऐसा लग रहा है कि जो शिवराज की टीम थी उसे पूरी तरह से बाहर करके एक नई टीम तैयार जो है आपके द्वारा की गई है, दरबार दिल्ली में लगाया गया, प्लानिंग यहाँ के लिए।
देखिए भारतीय जनता पार्टी में जैसे कि आप कह रहे हैं मानी शिवराज जी की टीम, ऐसी किसी की टीम नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में सारी टीम जो होती है संगठन की टीम होती है, सभी कार्यकर्ता का भाव से अपने अपने दायित्व का सम्यक रूप से निर्वहन करते रहते हैं, निष्ठापूर्वक निर्वहन करते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जब जनरेशनल शिफ्ट होता है तो इतना स्मूथली होता है कि मुझे नहीं लगता कि और किसी अन्य किसी दल में इतना स्मूथली जनरेशनल शिफ्ट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो नया मंत्रिमंडल बन रहा है इसमें भी आप देखेंगे कि सारे प्रकार के माननीय प्रहलाद पटेल जी से लेके आप हमारी फर्स्ट टाइम ठीक है, स्मूथली आपने ये शिफ्ट करवा लिया है, स्मूथली फंक्शन भी करे इसके लिए भी सभी देखेंगे आप ही की पार्टी की सरकार की तरफ भी। राम पांडे जी देखिए बीजेपी में ही संभव है कि इतना बड़ा शिफ्ट कर लिया जाए लेकिन उसके बाद किसी के मुंह से आह तक ना निकले, लेकिन अगर बात करें एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं मोहन के मिनिस्टर्स को, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मिनिस्टर्स को? सबसे पहले तो मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई, और ये बात भी सही है कि ये बीजेपी में ही संभव है, किसी को भी खट्टर बना दो और किसी को भी आड़वाड़ी बना दो। ये मंत्रिमंडल आज बना है, 3 तारीख को मतगणना कंप्लीट हो चुकी थी, 13 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ होती है और आज 25 तारीख को मंत्रिमंडल शपथ लेगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सरकार कितनी स्लो है, कितनी धीमी है और अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकती है। मुख्यमंत्री को बार बार दिल्ली भागना पड़ रहा था मंत्रिमंडल के लिए, मध्य प्रदेश के संगठन को ये मंत्रिमंडल बनाने का भी अधिकार नहीं है। तो ये जो मंत्रिमंडल बना है या मुख्यमंत्री हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये सब केवल नाम के हैं, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है और वो जैसा करेगा वैसा ही चलेगा। खैर जैसा हो गया वो सब ठीक है, लेकिन जो मध्य प्रदेश की जनता है वो करप्शन से सबसे ज़्यादा पीड़ित थी और करप्शन को कंट्रोल करने का काम किया जाए, लेकिन मुझे ये असंभव लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी करप्शन के आरोप लग चुके हैं। जब ये उच्च शिक्षा मंत्री थे तब इन पर करप्शन के आरोप लग चुके हैं। सबलगढ़ में कॉलेज चल रहा था, बिल्डिंग नहीं, कर्मचारी नहीं, छात्र नहीं और रिजल्ट बन रहा था, ऐसे कई आरोप मोहन यादव जी पर लग चुके हैं। राम पांडे जी, ऐसा लगता है कि चुनौती शायद चैलेंजेस रहते हैं पर कांग्रेस उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, तभी कहीं ना कहीं खामियाजा चुनावों में देखने को मिलता है। लौटेंगे आपके पास। अजय जी एक बात बताइए, 20 सालों में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि इतना लंबा वक्त सीएम चुनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लगा, सब ठीक है ना? बात तो बन गई ना कि सिर्फ जबरदस्ती माने प्रेशर में सब करा जा रहा है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है। जब आप 5वीं बार किसी राज्य में सरकार बनाते हो तो आपकी लड़ाई खुद के जो आपने प्रतिमान सेट किए उन प्रतिमानों से एक साथ में होती है। निश्चित रूप से हमारे लिए भी कठिन था क्योंकि आप विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार चला रहे हो और आपको आने वाले और 10-15 वर्षों के लिए भविष्य की कार्य योजना बनानी है, तो आपको उसी प्रकार का मंत्रिमंडल भी बनाना पड़ेगा जो भविष्य की रणनीति पे काम करे। तो इसलिए इतने विमर्श जो हुआ उसी विमर्श में ये समय लगा, तो भविष्य के लिए विचार विमर्श करने में समय लगा दिया आपने और बहुत सारा समय वर्तमान का निकल भी गया। हालांकि अब उम्मीद करते हैं कि अब जब आज शपथ ग्रहण हो जाएगा तो उसके बाद काफी रफ्तार देखने को मिलेगी तमाम कार्यों में भी, क्योंकि 2 महीने से का वक्त हो गया, काम काफी अटक गए हैं। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ दुबे जी, सभी समीकरणों को चेक किया गया, ये क्या दबाव था कि किस तरह से यूथ को एक्सपीरियंस मिनिस्टर्स के बीच में फिट किया जाएगा, या फिर दबाव 24 के चुनाव को लेकर था? दबाव कुछ भी नहीं था, ये पूरी रणनीति के तहत जो है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चुनाव जो है रणनीति के तहत किया गया उसी प्रकार से उनको उनकी कैबिनेट भी दी जा रही है, उनको जो है उनके कैबिनेट मंत्री मिलेंगे, राज्य मंत्री मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिए जाएंगे। अभी जिस प्रकार से कोई पांडे जी इतना परेशान हो रहे हैं, अभी शपथ तो ले लेने दीजिए उनको, अभी शपथ नहीं ली है उन्होंने, अभी तो सिर्फ सूची आई है, सूची के पहले आपने इतने आरोप लगा दिए उनके ऊपर जो है। तो अभी निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि जो इस बार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लिस्ट के अंदर जो है वो ओबीसी को महत्व दिया गया है, एससी को भी महत्व दिया गया है, और समाज के सभी वर्गों को जो जनरल हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, सभी को मिला करके ताकि समाज में सभी लोगों का विकास हो और ये स्थिर सरकार रहे। 5 वर्षों तक जो स्थिर रहने वाली सरकार है उसी हिसाब से मुझे लगता है मंत्रियों को जो है वो चुना गया है। और कहीं ना कहीं 2024 की जो बात हो रही है तो निसंदेह देखिए चुनाव के लिए तो कोई भी पार्टी होती है वो चुनाव के लिए तैयार रहती है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको 24 घंटे और 365 दिन चुनाव के लिए तैयार माना जाता है, सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि अपनी रणनीतियों से, अपने कार्यों से,
और कांग्रेस जो है, जिनके बड़े बड़े नेता आज आरोप लगा रहे हैं कि हमारे गठबंधन में अभी तक हमारी सीटें नहीं बंट पा रही है और भारतीय जनता पार्टी का 24 का चुनाव जो है वो लगभग वो चुनाव के लिए तैयार बैठी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से खासियत रही है, इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने के समय जो है उस समय भी समय लिया। सौरभ जी, और ये अपना अच्छे मैनेजमेंट के लिए बीजेपी जानी जाती है, अच्छे मैनेजमेंट के लिए। आखिर ये मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल हुआ होगा बीजेपी के लिए, चूंकि तीन बार के मंत्री कहे जा रहे हैं कि उन्हें जगह नहीं दी जाएगी, नए को मौका दिया जाएगा और दिग्गज भी मैदान में उतार दिए गए, तो आखिर समन्वय बिठाना ये कितना मुश्किल हुआ होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर समन्वय बैठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो संगठन है, पूरा संगठन एक कार्यकर्ता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक अपना संगठन है, उनका एक मातृ संगठन अलग संगठन है। ये संगठन जब बैठते हैं तो कई चेहरों पर चर्चा होती है, और जब कई लोग एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं तो विमर्श में कुछ ऐसे चेहरे निकल करके आ जाते हैं जिनपे जो है सबकी जो है एक राय बन जाती है। तो इसलिए बहुत दुर्लभ कार्य नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये पहले से प्रक्रिया चल रही है। इतना आसान भी नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो शायद इतना वक्त नहीं लगता। बने रहिएगा आप सभी मेहमान हमारे साथ भी, पांडे जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हलचले भी हम यहाँ पर तो दिखाई रहे हैं दर्शकों की, इस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां भी तैयार हो गई है, जो समर्थक है वो तो उत्साह में ही है, और जिन जिनके नाम सामने आए हैं उनके घरों में भी किस तरह से जश्न हो रहा है। बस थोड़ा इंतजार और करना होगा, लगभग आधे घंटे का इंतजार और करना होगा, मंत्रियों के सामने नाम भी आएंगे और साथ ही साथ जो है शपथ ग्रहण भी होगा, वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट भी देंगे। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।